तो क्या चल रहा है गाइस, अब जाने वाला एक कवरेज। और मैं टाइम इसलिए देख रहा था क्योंकि मुझे एक्चुअल में वीडियो बनाने का कोई सही टाइम पता नहीं, क्योंकि मैं जब मूवी देखता हूँ तो फिर थिएटर में देखने जाता हूँ, उसके बाद घर पे आके फटाफट बना देता हूँ। मेरा कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है, तो मैंने अभी टाइम देखा तो 19 बोल, तो मतलब 1:30 के अराउंड, तो रात के 1:30। हाँ, इसलिए ज़्यादा रोशनी क्योंकि ट्यूबलाइट जल रही है उधर। और मैंने देखी द एडम प्रोजेक्ट, सो मिलते हैं इंटरव्यू। सो बेसिकली आप साइंस फिक्शन मूवी देखने जा रहे हो, बॉलीवुड वाले तो हमें रावण, क्रिश 3 जैसे चाइल्डहुड मतलब बचकाने तरीके से दिखाते हैं। मतलब रावण में क्या था, क्रिश 3 में क्या था, क्रिश सीरीज में क्या था। साइंस फिक्शन मूवीज हमारे इंडिया में ऐसी बनती है और फॉरेन में ना ऐसी मूवीज बनती है जो हंसाए भी, थोड़ी आंखें नम भी करें, और बच्चों के लिए भी और अडल्ट के लिए ऐसी मूवी एक्सपेक्ट करती है आज की जनता। और ऐसी मूवी है ये द एडम प्रोजेक्ट, क्योंकि इससे कसम से मेरा ना स्टार्ट में जो वो मार्क रुफालो और डेयरडेविल सॉरी रैन रेनॉल्ड्स का जो सीन था ना, वो मुक्के वाला वो पेट पकड़ के हंसा था, फिर जब मूवी एंड हुई तब मेरी आंखें तो नम हो गई थी, क्योंकि इतना इमोशनल सीन था उसमें। उसमें मदरहुड के बारे में, फादरहुड के बारे में थोड़ी इम्पोर्टेंस बताई दी है कि तो कहानी पे आते हैं, तो कहानी बेसिकली इसकी ये है कि 2050 से रेन रेनॉल्ड्स का जो कैरेक्टर है एडम, वो आता है 2022 में, चाहे कि उसको जाना होता है 2018 में, क्योंकि उसको रोकना होता है टाइम ट्रैवल। तो फिर वो जाता है 2022 में, फिर उसको चोट लगी होती है तो उसकी स्पेसशिप को चलाता है 2022 वाला 12 साल का एडम, और पहुंचाते हैं ये दोनों मार्क रुफैलो के टाइम पे, मतलब 2018 में, जब 2022 में मार्क रुफैलो की डेथ हो जाती है। और बहुत सारे इमोशनल सीन्स है और ये मूवी आपको एनी हाउ हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, और इसमें वक्त का पता नहीं चलता। मैंने 8 बजे चालू की थी, 9:30-10 बजे कब ख़त्म हो गई ये पता भी नहीं चला, और ये मूवी एंटरटेनिंग बहुत है, तो इसे देखिएगा सर। मिलता है अगले वीडियो।